या तू किथे यार ये खाना सही खा रहा बस जी चलो यार तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोविड है, ब्लैक फंगस हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। सिम्टम्स को इग्नोर ना करना दोनों के लिए कॉमन है कि सिम्टम्स को जो है हमें ध्यान से देखना है। एडवाइजरी भी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ J&K की तरफ से, कोविड हेल्पलाइन नंबर्स भी पब्लिसाइज्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर भी हैं, डिविजनल कंट्रोल रूम के भी नंबर्स हैं कि कभी भी किसी भी तरह का सिम्टम महसूस हो या तो हम तुरंत अपना टेस्ट करवाएँ और डॉक्टर की सुपरविजन में जाएँ। कोई और मदद ना अवेलेबल हो तो कंट्रोल रूम के कॉल करके आप एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं और टेली कंसल्टेशन पे घर पे बैठे भी लोगों को हम एडवाइस डॉक्टर्स के जरिए एडवाइस पहुंचाई जा सकती है ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को बचा सकें। अच्छा, जिस तरह म्यूटेशन का बाजार खुल रहे हैं लेकिन अभी भी क्रोध बहुत रश होता है, उसको कंट्रोल करना किस तरह से? लोग कन्फ्यूजन है कि कोई बाजार किस टाइम का क्या खुलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कहेंगे आप, बहुत सी सारी इलेक्ट्रॉनिक में आती है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या कहेंगे। देखिए, जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं गाइडलाइंस में काफ़ी क्लियर तरीके से बताया गया है। दो विंडोज़ बनाई गई हैं, एक फुली परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं जो पूरे दिन खुली रहती हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो 6 से 11 बजे तक की विंडो में खुली हुई हैं। होलसेल मार्केट्स हैं, ग्रोसरीज हैं, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो उन सबको थोड़ा प्रायोरिटाइज़ किया गया है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, अभी के लिए हमने रिपेयर कैटेगरीज को प्रायोरिटी किया है क्योंकि समर्स का महीना है तो बहुत सारे अप्लायंसेज लोगों के घरों में ख़राब थे, शायद उनको ज़रूरत हो इमीडिएटली, उस बेसिस पर उनको एसेंशियल्स में कैटेगराइज किया गया है। हाउएवर, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती जाएगी इसके ऊपर और बेहतर क्लैरिटी हमें मिलेगी। हर चौराहे पर टेस्टिंग की जरूरत है क्योंकि बाजार सारे खुले हैं तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बाहर है, तो क्या लगता है? देखिए, टेस्टिंग हमारी डेडिकेटेड टीम्स बनी हुई हैं, ज़िले में तकरीबन 74 टीम्स काम कर रही हैं जिसके अंदर मोबाइल टीम्स भी हैं, हमारे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में टीम्स हैं और हर रोज टीम्स की को टारगेट्स दिए जाते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ के, जैसे वेयर हाउस है, कनक मंडी है, नरवाल मंडी है, मार्केट प्लेसेस हैं, उन सभी के डेडिकेटेड टारगेट्स दिए जाते हैं कहाँ कहाँ टेस्ट करने हैं और फिर जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं वैसे वैसे अगले दिन के टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं, तो रोटेशन बेसिस पर सभी कंजेस्टेड एरियाज़ को कवर किया जा रहा है। ठीक है।